हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये फ्लावर लीफ के साथ बनाएंगे। देखिए ये कितना सुंदर है, और लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे बनाना। देखिए एकदम अलग ये सुंदर सा फ्लावर है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे येलो, वाइट और ग्रीन कलर का ऊन लिए हैं। यहाँ हम येलो कलर के ऊन से स्टार्ट करेंगे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे, इस तरह से फिंगर में। देखिए इस तरह से फिंगर में बनाने के बाद इस फंदे को हम इसके नीचे से निकालेंगे और इसे एक चैन लेकर फिट कर देंगे। अब इसके अंदर हम 14 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये हमारा 14। 14 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद इस ऊल को खींचकर हम फिट कर देंगे। तो देखिए एक रिंग के जैसा बन गया ये हमारा, और भी फिट करेंगे इसको। और सबसे लास्ट वाले फंदे में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए अब इस ऊल को कट कर लेंगे। देखिए ये छोटा सा रिंग हमारा बन गया। अब इसमें हम वाइट कलर का ऊल जॉइंट करेंगे, कहीं से भी जॉइंट करेंगे। अब ये वाइट कलर का ऊल लिए, अब इसे हम एक नॉट बना लेंगे इस तरह से घुमाकर, और अब इसे हम इसके पीछे से, इसके नीचे से निकालेंगे, और अब इसे हम फिट कर देंगे। देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेने के बाद ये लास्ट वाले में चैन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको बुन लेंगे। अब इसे हम इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फिट करेंगे। देखिए ऐसा बनेगा हमारा। फिर से हम 4 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से हम इसके बाद वाला, ये सबसे लास्ट वाला जो है, इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब इसे हम एक एक करके हर फंदे में फिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस तरह से बनेगा हमारा ये। फिर हम 4 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से इसके बाद वाले में, लास्ट वाले के बाद वाले में सिंगल क्रोशिया बुने। अब इसके बाद वाले में हम यहाँ पे इसे फिट करेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। फिर 4 चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से इसके इसमें सिंगल क्रोशिया से इसको बंद करेंगे। अब इसके बाद वाले में यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से फिट कर देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक तैयार कर लेंगे। देखिए ये लास्ट तक बुने तो हमारा इस तरह का बन गया। इस तरह से देखिए बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम वो पीछे में 1, 2, 3, 3 चैन लेंगे, और हर फंदे के पीछे में हम इस तरह से
सिंगल क्रोशिया से बुनते जाएंगे। इस तरह से देखिए, 1 2 3 थ्री चैन लिए, फिर इसके बाद वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से थ्री चैन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसके बाद वाले में, ये वाले में इस तरह से बुनेंगे। देखिए, फिर थ्री चैन लेंगे, 1 2 3। इसी तरह से हम थ्री चैन लेकर हर फंदे में इस तरह से हम पीछे में सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे, 1 2 3। फिर से इसके बाद वाले में यहाँ पे, तो ये इसी तरह से बुनकर हम ये पूरा सर्कल तैयार करेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद वाले में यहाँ पे बुनेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स हम कैसे बना रहे हैं, इसी तरह से हम पूरा ये सर्कल तैयार कर लेंगे। पीछे में देखिए, पीछे में ये हमारा इस तरह से बन रहा है, तो इसे हम यहाँ तक बुनकर तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा बनकर इस तरह से तैयार हुआ, पीछे जो हम बनाए ये चैन लेकर, तो अब ऐसा बन गया। अब यहाँ पे हम फिर से, पहले हम 4 चैन लिए थे, अब यहाँ पे हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर से इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, और अब इस फंदे में ही, इस चैन में ही सिंगल क्रोशिया से इसको फिट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, अभी जिसमें हम बुने थे उसमें ही दूसरा वाला फंदा भी इसी में डालेंगे सिंगल क्रोशिया से, तो एक ही फंदे में हम दो दो अभी बनाएंगे। फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर लास्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, और फिर से इसको, अब हम यहाँ पे 2 हो गया, अब इसके बाद वाले में इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको फिट करेंगे। फिर से 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे एक के बाद वाला दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, और अब इसको भी फिर से हम जिसमें पहले डाले थे उसी में हम इसमें फिर से हम बुनेंगे, उसी चैन में फिर से हम बुनेंगे। तो एक एक फंदे में 2-2 होगा अभी, तो इस तरह से हमारा बनेगा, एक एक फंदे में 2-2 बुनते जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले में, इसमें 2 हो गया, अब इसके बाद वाले में फिर से बुनेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से सिंगल क्रोशिया लास्ट वाले चैन में, और अभी इसमें डाले, फिर से इसमें, यानी कि एक ही चैन में हम 2-2 बार डालेंगे, बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम ये पूरा, ये देखिए हमारा पीछे में ये जो है, इसमें पूरा हम सर्कल यहाँ तक बुनकर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा ये 2 लाइन बन गया। अब ये तीसरा लाइन में फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 3 चैन लेंगे, और इसके पीछे में सिंगल क्रोशिया से, देखिए सिंगल क्रोशिया से फिर से हम इसके पीछे में फंदा बुनेंगे, फिर 1 2 3 3 चैन लिए, फिर ये वाले को छोड़ेंगे, इसमें डालेंगे, और इसको फिर से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे, 1 2 3 3 चैन लेंगे, हर जगह पे 3-3 चैन लेंगे, और एक एक के बाद वाले में दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे इस तरह से चैन पीछे में इस तरह से देखिए चैन बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से
इसके बाद वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। तो देखिए इसी तरह से ये चैन जो हम बनाए, इसी तरह से चैन हम एक एक छोड़ के बनाते हुए पूरा सर्कल में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरह से बन गया। अब ये पीछे वाला जो चैन है, आप देख रहे हैं कि ये वाला भी हम लास्ट तक यहाँ तक पहुँच गए। अब सबसे लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इन दोनों चैन को एक साथ फिट कर देंगे और अब इस वाइट वाले ऊल को हम कट कर देंगे। देखिए अब ये हमारा इस तरह से फ्लावर बन गया, आप देख रहे हैं कितना सुंदर बन गया। अब इसके पीछे में हम इसे ग्रीन कलर वाले ऊल को का एक नट बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब इसे हम, ये जो हमारा पीछे में है चैन, जो अभी लिए चैन बनाए थे उसमें इसको अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से इस चैन को इसके साथ फिक्स करेंगे, फिर एक चैन लेंगे और इसको बांध देंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए वन चैन लिए यहाँ, अब इसके अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1, 2, 3 और ये 4, और इसको खींचते हुए थोड़ा लंबा करते जाएंगे और फिर इसके बाद 4 के बाद फिर हम इसको 4 बुनेंगे लेकिन थोड़ा छोटा करते जाएंगे। 1, 2, 3 और फिर से उससे भी छोटा करेंगे अभी इतना लास्ट तक 4। तो देखिए ये हमारा लीफ के जैसा बन गया। अब इस फंदे को हम दूसरे वाले चैन में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से फिट कर देंगे। देखिए फिर अब यहाँ पे 1 चैन लेंगे हम और फिर से यहाँ पे हम ये वाले उसके बाद वाले फंदे में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर से हम 4 बुनेंगे। 1, 2 डबल क्रोशिया से और एक एक फंदे को हम इसी तरह से खींचते हुए बढ़ाते हुए जाएंगे। 3 अब ये लास्ट वाले को और लंबा खींच के बढ़ा दिए, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे फिर हम इसको अब थोड़ा छोटा करते जाएंगे। 1, 2 और ये 3। देखिए अब इसको हम धीरे धीरे छोटा करते हुए गए, अब लास्ट में एकदम छोटा कर देंगे इसे, एकदम लास्ट वाले फंदे में ऐसे रखेंगे फिट करके। अब ये हो गया, तो अब देखिए ये हमारा लीफ के जैसा बन गया। अब इसके बाद वाले चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हम इसे फिट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लावर और फ्लावर के नीचे में ये हमारा लीफ दिखाई दे रहा है। फिर से फ्रेंड्स वैसे ही बनाएंगे, 1 चैन लेंगे पहले और इसके अंदर हम 4 बुनेंगे डबल क्रोशिया, हर फंदे को उससे थोड़ा बड़ा करते हुए बुनते जाएंगे। 1, 2 फिर से इसको थोड़ा बड़ा किए, 3 और सबसे लास्ट वाले 4 नंबर वाले को एकदम बड़ा खींच के कर देंगे, 4 हो गया। देखिए अब हम इसको फिर से छोटा करेंगे, तो 4 के बाद 5 को थोड़ा छोटा किए और 6 नंबर है उसको फिर से हम थोड़ा छोटा किए, 7 उससे छोटा किए और अब 8 नंबर वाला जो फंदा इसमें बुनेंगे हम डबल क्रोशिया से उसको एकदम छोटा कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो ये देख रहे हैं हमारा लीफ के जैसा बन रहा है। अब इसे हम सिंगल क्रोशिया से इसके बाद वाले चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ये लीफ बन रहा है।
ये फ्लावर है, फ्लावर के नीचे ये लीफ है। तो अब जैसे हम 1 2 3 बनाए, वैसे ही ये पीछे में जितना भी चैन है ये सारे चैन में हम बुनकर लीफ तैयार कर लेंगे इसके जैसे ही। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट तक हो गया। अब लास्ट वाले को इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से इस वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। अब इस ऊल को हम पीछे तो आप देख रहे हैं ये हमारा कितना सुंदर सा फ्लावर और लीफ दोनों साथ में बन गया। इसे थोड़ा फिट कर लें, खींच कर बाहर निकाल लेंगे ये वाले को, और ये येलो वाला जो है इसके उल को हम खींचेंगे फिट करके और पीछे बांध देंगे। देखिए, इतना इजी और इतना आसान, कितना सुंदर सा ये फ्लावर बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच।